हेलो एवरीवन वेलकम टू सेक्शन लास्ट क्लास में हमने प्योर्स साइंसिस चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था अब हम आगे अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में जो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है कंपाउंड सोल्यूशंस सस्पेंशन एंड क्लॉय ठीक है सो लेट्स बिगिन विद क्लास कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट क्लास में मिक्सचर के बारे में पढ़ा था एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं मिक्सचर क्या था कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को फिजिकल फॉर्म में या फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाया गया था और उसके जो एलिमेंट्स है उनका जो प्रपोर्शन है वो भी फिक्स्ड नहीं था यानी कि एक एलिमेंट छोटे प्रपोर्शन में था या दूसरा एलिमेंट ज़्यादा प्रपोर्शन में था ठीक है कंपाउंड्स में क्या है कंपाउंड्स में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को केमिकली कम्बाइन करके कैसे कंबाइन करके केमिकली कंबाइन करके और उनके जो एलिमेंट्स लिए थे उनका जो प्रोपोर्शन है वो भी फिक्स्ड एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जब उनको केमिकली कंबाइन किया जाता है तो वो सब्सटेंस को क्या कहते हैं कंपाउंड्स कहते हैं ठीक है थीके? तो मिक्सचर और कंपाउंड्स में क्या फर्क है मिक्सचर में फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू कंबाइन किया जाता है कंपाउंड्स में केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू कंबाइन किया जाता है मिक्सचर में उनका एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन फिक्स्ड नहीं होता है कंपाउंड्स में उनका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड होता है ठीक है वो जो कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स है उनकी जो प्रॉपर्टी है वो एंटायरली अपने कंपाउंड से डिफरेंट होती है ठीक है मिक्सचर में पढ़ा था कि जो उसके एलिमेंट्स थे मिक्सचर के जो एलिमेंट्स थे उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी जैसे एग्जाम्पल लिया था सॉल्ट प्लस वाटर का ठीक है सॉल्ट प्लस वाटर बना के एक सोल्यूशन बनाया था ठीक है जिसे सॉल्ट सोल्यूशन बोलते हैं इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अपने एलिमेंट से सिमिलर होती है ठीक है यानी कि सॉल्ट सोल्यूशन सॉल्ट की प्रॉपर्टी और वाटर की प्रॉपर्टी दोनों की शो करता है लेकिन कंपाउंड्स में जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं अपने एलिमेंट से एंटायरली डिफरेंट होती है ठीक है फॉर एग्जांपल वाटर है ठीक है सिर्फ वाटर ठीक है वाटर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलके बनता है, है, है वाटर, हाइड्रोजन से अलग होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है गैश फॉर्म में होते हैं वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं ऑक्सीजन और वाटर जो है दोनों ही हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. लेकिन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत अलग है ऑक्सीजन हम ब्रीद करते हैं ऑक्सीजन ब्रीद करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं लेकिन जो वाटर है वो हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं ठीक है ना तो मीन्स की जो सॉरी uh, uh, जो कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी है वो अपने एलिमेंट से एंटायरली डिफरेंट होती है इसके और एग्जाम्पल हैं इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ है वो एंटायरली डिफरेंट है ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम एक्सेल करते हैं बाहर निकालते हैं ठीक है ना क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हमें ऑक्सीजन चाहिए हमारी बॉडी को ठीक है तो इंटायरली अपने कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी है वो अपने एलिमेंट्स से इंटायरली ही डिफरेंट होती है अब है प्रॉपर्टीज ऑफ़ कंपाउंड्स ठीक है कंपाउंड्स हमने पढ़ा क्या था कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाया जाता है तो उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं सबसे पहले है कि इसको इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको फिजिकल से सेपरेट नहीं किया जा सकता जैसे मिक्सचर में हमने पढ़ा था कि फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं लेकिन कंपाउंड्स में इनको फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं और इसमें जो एनर्जी है जब भी कोई कंपाउंड बनता है या ब्रेक होता है ठीक है उसमें या तो एनर्जी गिव आउट होती है या वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है मिक्सचर में अगेन वही पड़ा था कि ना ही एनर्जी रिलीज करता है ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कंपाउंड्स में या तो वो एनर्जी रिली रिलीज करेगा या वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ठीक है और जो कंपाउंड्स की जो कम है वो फिक्स्ड होती है उसका एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है ठीक है तो ये हमेशा सी ओ टू की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है यानी कि एक मॉलिक्यूल या एक एटम इसमें कार्बन का होता है और दो इसमें ऑक्सीजन के होते हैं ये हमेशा इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड का कोई और फॉर्मूला नहीं बनता है ठीक है तो यानी कि जो कंपाउंड्स है उसका जो कॉम्पोजिशन है या उसका जो फॉर्मूला है वो फिक्स्ड होता है और कंपाउंड्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो फिक्स्ड होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल इसे वाटर लिया था ठीक है वाटर भी एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से बना हुआ है केमिकली प्रोसेस करके ठीक है और इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी फिक्स्ड है ठीक है जैसे जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज जीरो डिग्री सेल्सियस उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस जो हमने पिछली क्लासेस में भी किया था तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंडस अब जो कंपाउंड्स भी होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं सबसे पहले है इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब है वो कंपाउंड्स जिनको हम लिविंग थिंग्स से ऑप्टेन करते हैं ठीक है लिविंग सोर्सेज से ऑप्टेन करते हैं जैसे प्रोटीन्स है ऑयल्स हैं फैट्स है ठीक है ये सब जो लिविंग सोर्सेज से ऑप्टेन करते हैं जैसे फैट्स वगैरह हो गया फिशे से फिश ऑयल हो गया या लिवर ऑयल हो गया ठीक है तो ये सब लिविंग सोर्सेज से जो ऑप्टेन होते हैं उन कंपाउंड्स को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेक्स्ट इसमें है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जो नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑप्टेन किए जाते हैं जैसे रॉक्स से है मिनरल से जो ऑप्टेन किए जाते हैं उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं जैसे वॉशिंग सोडा हो गया मार्बल हो गया कॉमन सॉल्ट होगी नमक है ये भी इनऑर्गेनिक में आते हैं क्योंकि इसे सी वाटर ठीक है नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑप्टेन किया जाता है ठीक है तो टाइप दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सोल्यूशन लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं उनको क्या बोलते हैं सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर क्या था कि जिसमें पार्टिकल्स uh, के बीच में जो एलिमेंट्स मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया गया है तो उनके पार्टिकल्स के बीच में हम डिफरेंस पता नहीं लगा सकते उन मिक्सचर को क्या कहते थे होमोजीनियस मिक्सचर तो जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं सोल्यूशन होते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर थ्रू आउट पूरा जो है वो सेम होता है जैसे सॉल्ट और वाटर का एग्जाम्पल लिया था ठीक है अगर सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर दें ठीक है इंटायरली मिक्स कर दें अच्छे से इसको डिजोल्व कर दे तो हम इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिफरेंस पता नहीं लगा सकते हैं तो इन मिक्सचर को क्या कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ठीक है और जिस सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है जैसे ये इसमें सॉल्ट लिया ठीक है जिस सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है लिक्विड में उसको क्या बोलते हैं सल्यूट ठीक है और जिस पानी में या जिस लिक्विड में उसे मिक्स किया जाता है उसे क्या बोलते हैं सॉल्वेंट और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन ठीक है यानी कि सोल्यूट जिसको मिलाया जाता है कोई भी सब्सटेंस जो लिक्विड में मिलाया जाता है और जिस लिक्विड में मिलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं सॉल्वेंट और दोनों को मिला के क्या बोला जाता है सल्यूशन ठीक है जैसे इसके और एग्जाम्पल है सुगर, शुगर शुगर सोल्यूशन है पानी में चीनी अच्छे से मिक्स कर दो ठीक है तो उसको भी हम आ, डिफरेंस पता नहीं लगा सकते उसके पार्टिकल्स के बीच में तो वो भी क्या है? आता है एक होमोजीनियस मिक्सचर आता है अब सोल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं सबसे पहले है कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है होमोजीनियस मिक्सचर में हमने पढ़ा था कि हम उसके पार्टिकल के बीच में डिफरेंस पता नहीं लगा सकते हैं ठीक है थीके? हम उसको माइक्रोस्कोप के भी अंडर नहीं देख सकते हैं तो सोल्यूशन एक हमेशा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और उसमें जो सल्यूट पार्टिकल्स लेते हैं जैसे पानी में नमक डिजोल्व किया था यानी कि जो नमक है जो सल्यूट है उसके जो साइज है उसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही क्या होते हैं छोटे होते हैं दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल जो साइज़ ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ठीक है और इन सोल्यूशन को हम माइक्रोस्कोप के अंडर भी नहीं देख सकते उनके बीच में हम डिफरेंस पता नहीं लगा सकते हैं जैसे ये पानी है इसके अंदर कोई भी सल्यूट यानी कि कोई इंक ड्रॉप डाल दिया है ठीक है ये पूरा इसके अंदर अच्छे से डिजोल्व हो गया है ठीक है तो इस मिक्सचर को क्या बोलेंगे सल्यूशन ठीक है और इसके जो पार्टिकल्स हैं उसको हम अंडर माइक्रोस्कोप भी नहीं देख सकते हैं ठीक है और इन सोल्यूशन को हम फिल्टर भी नहीं कर सकते यूज आ, दे नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन यानी कि इनको फिल्टर नहीं कर सकते हैं फिल्टरेशन का मतलब क्या होता है फिल्ट्रेशन मीन्स कि छानना ठीक है जैसे चाय वगैरह है चाय पीना सबको पसंद है ठीक है चाय की टपरी फ्रेंड्स के साथ भाई मज़ा ही कुछ और है ठीक है ना तो यानी कि वो चाय देने से पहले क्या करता है उस चाय को छानता है फिल्टर करता है ताकि उसकी जो चाय पत्ती है टी लीव्स हैं वो चाय में नहीं आए ठीक है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फिल्टरेशन तो इन सोल्यूशन को फिल्टरेशन के थ्रू भी सेपरेट नहीं किया जा सकता है ठीक है और इसके जो सोल्यूशन है बहुत ही स्टेबल होते हैं यानी कि इसके जो पार्टिकल्स है जब डिजोल्व हो जाते हैं ये नीचे आके सेटल नहीं होते हैं ये पूरे सोल्यूशन में मिक्स हो जाते हैं दे सेटल डाउन ठीक है उसका मतलब है कि सोल्यूशन जो है बहुत ही स्टेबल होते हैं और ट्रू सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन मतलब कि एक जो सोल्यूट और सॉल्वेंट लिया है उनको अगर वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए अच्छे तरह से घुल जाए ठीक है तो वो कभी भी स्कैटर नहीं करते हैं light को, क्योंकि इसके जो particles है, बहुत ही स्मॉल होते हैं और वो वो हो जाते हैं, हैं, तो वो light को split या scatter नहीं करते क्लियर है नेक्स्ट इसमें जो आता है वो है सस्पेंशन सस्पेंशन बेसिकली एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ठीक है जिसमें जो उसके पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपरली लिक्विड में डिजोल्व नहीं होते हैं क्योंकि उसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए जैसे ये वाटर है वाटर के अंदर कुछ कॉटन के पीसेस डाल दिए थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि जो पानी है जो पानी है वो ऊपर क्लियर फॉर्म में ऊपर आ जाएगा और जिसके कॉटन है वो नीचे सेटल हो जाती है ठीक है और इस सोल्यूशन को हेट्रोजीनियस क्योंकि हम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्लियरली डिफरेंस पता कर सकते हैं कि ये पानी है ये कॉटन है ठीक है तो इस टाइप के हेट्रोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं सस्पेंशन जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपरली डिजोल्व नहीं होते हैं ठीक है इसका जैसे और एग्जाम्पल है चौक और वाटर मिक्सचर पानी में चौक डाल दिया जो चौक भी है थोड़े टाइम बाद नीचे सेटल हो जाएगा सेम गोज फॉर मडी वाटर पानी में मिट्टी डाल दी वो प्रॉपरली डिजोल्व होती है नहीं होती है वो भी थोड़े टाइम बाद नीचे सेटल हो जाती है ठीक है तो इन सबको क्या बोलते हैं सस्पेंशन अब सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? सबसे पहले है कि जो सस्पेंशन है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब कि हम उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्लियरली डिफरेंस पता लगा सकते हैं ठीक है जैसे ये जो पानी है और ये जो कॉटन है ठीक है इनको मिक्स किया गया है लेकिन हम इनके बीच में क्लियरली डिफरेंस पता लगा सकते हैं तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोजीनियस मिक्सचर ठीक है और इसके जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से बड़े साइज के होते हैं जिसकी वजह से इसको ईजिली देख सकते हैं इवन थ्रू आर नेकेड आइज इसके लिए माइक्रोस्कोप की भी नीड नहीं होती है ठीक है इसको हम क्लियरली अपनी आंखों से देख सकते हैं ठीक है और इसके जो सल्यूट होते हैं यानी कि जो इसके पार्टिकल्स हैं थोड़े बड़े साइज के होते हैं इसलिए ये फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं होते हैं इसलिए इसको इजीली फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं यानी कि उसको छान के ठीक है स्ट्रेनर के थ्रू छान के या फिल्टर पेपर के थ्रू छान के इसको सेपरेट किया जा सकता है ठीक है और इसके जो सस्पेंशन हैं यानी कि जो पार्टिकल्स हैं ये अनस्टेबल होते हैं थोड़े टाइम बाद ये नीचे आके सेटल हो जाते हैं जो हमने सोल्यूशन में पढ़ा था कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो स्टेबल होते हैं यानी कि वो नीचे सेटल नहीं होते हैं सस्पेंशन में उसका ऑपोजिट है इसके जो पार्टिकल्स हैं थोड़े टाइम बाद नीचे आके सेटल हो जाते हैं ठीक है और जो इसके सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं तो वो जो लाइट है लाइट को वो स्कैटर करते हैं ठीक है जो बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं लाइट को स्कैटर करते हैं सोल्यूशन में उसके जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर नहीं करते थे और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं दे स्कैटर द लाइट आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक है वो है कोलाइड्स कोलाइड्स क्या होते हैं कोलाइड्स बेसिकली वो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं जिसके में जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन से थोड़े से बड़े होते हैं लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं ठीक है जो हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था उससे बड़े होते हैं लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं यानी कि सस्पेंशन और सोल्यूशन के बीच में जो साइज जो पार्टिकल्स का साइज होता है उनको क्या बोलते हैं कलॉइड्स बोलते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल मिल्क है ब्लड है जेली है ये थोड़े से डेंस होते हैं थोड़े से गहरे होते हैं बेसिकली ठीक है तो इन सोल्यूशंस को क्या बोलते हैं कलॉयड्स बोलते हैं ठीक है अब कलॉयड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं सबसे पहले है कि कलॉयड जो है वो दिखने में लगता है होमोजीनियस है बट एक्चुअली क्या होता है हेट्रोजीनियस होता है यानी कि उनके जो पार्टिकल हैं उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस पता कर सकते हैं ठीक है और जो उसके साइज ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सोल्यूशन से थोड़े से बड़े होते हैं और सस्पेंशन से थोड़े से छोटे होते हैं ठीक है और जो मोस्ट ऑफ़ द पार्टिकल्स हैं कलॉयड के ठीक है वो बी सीन विद माइक्रोस्कोप मोस्टली कुछ देख सकते हैं कुछ नहीं देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मिल्क है मिल्क के पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप के अंडर डिफ्रेंशियट नहीं कर सकते हैं लेकिन ब्लड है ब्लड के जो पार्टिकल्स हैं वो माइक्रोस्कोप के अंडर डिफरेंशियट कर सकते हैं जो उसके अंदर सेल्स होते हैं जैसे डब्ल्यू बीसीज है रेड बीसीज हैं प्लेटलेट्स बीसी हैं उनमें डिफ्रेंशियट कर सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप ठीक है वो जो कलॉयड है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन से थोड़े से बड़े होते हैं इसलिए वो जो लाइट है उसको स्कैटर कर देते हैं जैसे पानी और फ्लोर का मिक्सचर है ठीक है उसको मिक्स करके अगर देखा जाए उसमें लाइट स्प्रेड की जाए तो वो ईजिली लाइट को स्कैटर कर देते हैं ठीक है और जो इसके कलॉयस के जो पार्टिकल्स हैं ये भी फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाते हैं इसलिए इसको भी फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता एज सोल्यूशन जैसे अगर मिल्क है मिल्क को अगर हम फिल्टर करना चाहें छानना चाहें तो एज इट इज पास हो जाएगा तो उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं आज की क्लास यहीं तक थी रिव्यू क्वेश्चन करने से पहले मैं एक दो बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ प्लीज आप हमारे वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिए वहां पे बहुत सारे एमसी क्यू पैकेजेस हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं अगर आपको कोई सजेशन देना कोई है कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए ठीक है रिव्यू क्वेश्चन करते टाइम क्वेश्चन के बाद प्लीज़ वीडियो को पॉज करके उसका आंसर खुद करने की ट्राई कीजिए जिससे आपको भी पता चलेगा कि आपको क्लास में कुछ समझ में आया है कि नहीं है अगर आपका कोई भी क्वेरी है कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसे जरूर शेयर कीजिए ठीक है तो लेट स्टार्ट सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड ठीक है कैसे कम्बाइंड किया गया, गया उनको केमिकली कंबाइंड किया गया है इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास उसे क्या बोलते हैं मैटर कंपाउंड सोल्यूशन या सस्पेंशन यस द आंसर इज बी कंपाउंड यानी क्या बोलते हैं कंपाउंड्स और जिनको केमिकली कंबाइन नहीं किया जाता फिजिकली कंबाइन किया जाता है इन एनी प्रोपोर्शन उसे क्या बोलते हैं उसे मिक्सचर बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट है सोल्यूशन इन विच साइज ऑफ पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सोल्यूशन एंड दोज इन सस्पेंशन इज कॉल्ड वो सोल्यूशन जिनका पार्टिकल सोल्यूशन से थोड़ा सा बड़ा है और सस्पेंशन से थोड़ा सा छोटा है उन सोल्यूशन को क्या बोलते हैं सोल्यूशन नहीं बोलते हैं कलॉयस बोलते हैं सस्पेंशन बोलते हैं या कंपाउंड बोलते हैं ये आंसर इज क्लॉइड उन्हें क्या बोलते हैं क्लॉय बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विदॉल सॉलिड आर स्प्रेड हो जाते हैं लेकिन डिजोल्व नहीं होते हैं प्रॉपरली मिक्सचर को उस हेट्रोजीनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं कंपाउंड सोलूशन सस्पेंशन या कॉलोइन लास्ट क्वेश्चन कंपाउंड ऑप्टेन फ्राम नॉन लिविंग सोर्सेज सच एज रॉक्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड ऐसे कंपाउंड जिनको नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑप्टेन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड सस्पेंशन सोलिबिलिटी या इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड थैंक यू फॉर वॉचिंग